बार 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 आप लोग सुन रहे होंगे चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का इतना ही अर्थ है कि अभी मानव की जो प्रवृत्तियां हैं, है ना, वो जीव चेतना, जीव चेतना मतलब जैसे क्रूरता, दीनता, हीनता, या तो किसी पे डिपेंड है या फिर किसी से बल बुद्धि पूर्वक चीज़ों को छीन रहे हैं, है ना, और या फिर अपनी अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे कि मैं हूँ क्या, मतलब मैं मानव हूँ और मैं सब कुछ को समझ के अच्छे से जी सकता हूँ, तो मैं मानव हूँ इस बात की समझ नहीं है ना, और मानव होते हुए भी जानवर जैसा जी रहे हैं, तो कैसे हम जीव चेतना से मानव चेतना में आ जाए। तो मानव चेतना का मतलब है कि मैं अपने मानवत्व के साथ जी पाऊँ, मतलब मानव अपनी गरिमा के साथ जी पाए। जैसे गाय के साथ गायत्व जुड़ा है, गाय का एक निश्चित आचरण है, है ना, लोहा लोहत्व के साथ है, लोहे का एक निश्चित आचरण है, तो वैसे ही मानव भी अपने निश्चित आचरण के साथ जी सकता है, ठीक है, और उपयोगी हो सकता है। तो कैसे जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण हो, तो उन्होंने जो बात कही, मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि बच्चों में मानवत्व आए, मानवीय आचरण आए, तो शिक्षक और अभिभावक को मानवीय आचरण में आना होगा, क्योंकि बच्चे तो वही देख रहे हैं, है ना। तो जब तक शिक्षक और अभिभावक मानवत्व के साथ नहीं होंगे, बच्चों में वो चीज़ जाएगी नहीं। तो चेतना विकास तभी संभव है जब मूल्य शिक्षा का मतलब है कि जब अभिभावक और अध्यापक में वो आचरण होगा, धीरता, वीरता, उदारता, है ना, तो इस आधार पे चेतना विकास मूल्य शिक्षा, मतलब ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा आप खाली बुक से नहीं दे सकते, उस वो आचरण के द्वारा ही जाएगी। और अगर एक बार बच्चों में, है ना, अगर शिक्षक और अभिभावक का आचरण न्याय संगत है, आप उनको सम्मानपूर्वक पढ़ा रहे हो, विश्वासपूर्वक पढ़ा रहे हो, तो बच्चे के पास जो होगा वही बांटेगा वो, मतलब जो उसके पास होगा वही बांटेगा। तो यदि हम मूल्य आधारित शिक्षा देंगे तो बच्चे के अंदर मूल्य ही होंगे और वही बांटेगा वो, तो इतना ही इसका वो था। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा ही पाठ्यक्रम है,